न्यूज टुडे। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मौजूदा स्थिति बद से बदतर बताई जा रही है। मुल्क की खस्ता हालत को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। नवाज शरीफ ने कहा, 21 अक्टूबर को किसी इंतकामी जज्बे से या नहीं मैं आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। पाकिस्तान की हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन असली सजा तो पाकिस्तान की आवाम को मिली है। आज पाकिस्तान में 4 रुपए की रोटी 15-20 रुपए में मिल रही है। 50 रुपए की चीनी आज यहाँ 150 रुपए किलो मिल रही है। उस जमाने की बिजली आज इतनी महंगी हो गई है कि लोग उसके बिल तक को नहीं भर पाते। हमारे कौम के बच्चों के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? हमारे कौम के बच्चे स्कूल ना जा सके, उसे 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो सके, हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? लोग यही सोचते रहते हैं कि इस महीने बच्चों के स्कूल की फीस कैसे भरी जा सकती है। बिजली के बिल भरेंगे तो स्कूल की फीस नहीं दे पाएंगे, स्कूल फीस देंगे तो मकान के किराए नहीं भर पाएंगे। इस वक्त हमारे मुल्क का ये हाल है। उन्होंने कहा कि मुझे जो सजा मिली सो मिली, मेरे परिवार को सजा मिली, मेरी पार्टी को सजा मिली, लेकिन असल में सबसे बड़ी सजा पाकिस्तान की आवाम को मिली। मगर अब हमें इस कौम को इस बदतर हालत से बाहर निकालना है। दरअसल लंदन से लौटने के बाद भी नवाज शरीफ ने देश की मौजूदा हालत पर चिंता जताई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी पूर्व सेना और जासूस प्रमुखों के खिलाफ साजिश नहीं रची। लाहौर में PMLN की संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि मैंने कभी भी जनरल बाजवा और जनरल फैज हामिद के खिलाफ साजिश नहीं रची और ना ही मैंने राहिल शरीफ के खिलाफ साजिश रची। बता दें कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को स्वदेश लौटे थे। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ की नजर रिकॉर्डिंग 4वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर है। इस समय पाकिस्तान में अंतरिम सरकार है। अनवर उल हक काकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। काकर ने नेशनल असेंबली भंग होने के बाद 14 अगस्त 2023 को पदभार संभाला। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।